ओके हाँ वाओ एंड व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, वेरी गुड विनी. ओ स्माइल. ओहो, मॉन्स्टर स्माइल भी करता है और एंग्री भी करता है. ओके व्हाट इज दिस? आर्म्स. ओके हाँ. स्टमक. ओके वॉट? कान. ईयर. ओके ओके हाँ. हेयर्स. ओहो वाओ विनी, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है. हैंड्स है ये? ओके ओके ये तो बहुत अच्छी बनाया आपने मॉन्स्टर को. शूज है ये उसके? अच्छा वाओ विनी, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है. अब ये शाम को पापा आएंगे तो उनको दिखाना, ठीक है? फिर वो आपको बोलेंगे वाओ विनी, वेरी गुड देंगे, स्टार्स देंगे वो आपको, है ना? वाओ विनी सुपर, मेरा बच्चा कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है. हाँ ओहो, एप्पल ले लिया. कैशनर्स. कैशनर्स आपने खाया नहीं था क्या? मैंने दिया था, दो दिए थे. दूसरा वाला किधर है? वो खा लिया? अच्छा ठीक है, चलो आप बना लो, दूसरा मॉन्स्टर बना लो. आप पहले से फिनिश कर लो, स्लोली स्लोली खा के आप फिनिश कर लो. हाँ फिर बना लेना, ठीक है मॉन्स्टर. हाँ इसमें बना लेना. हाँ इस पे बना लेना मॉन्स्टर. गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6:30 ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, ऊपर ही हुआ है, नीचे नहीं हुआ है. सो आई जस्ट फिनिश्ड अप विद माय मॉर्निंग वर्कआउट, सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग, बिकॉज अभी मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है. 7 बजे तक मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगी क्योंकि वर्कआउट अभी फिनिश किया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी. सो मैंने सोचा जब मेरे पास टाइम है तो क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगी एज़ यूजल. जैसे आप लोगों को पता है कि 7 o'clock से मतलब मैं किचन में चली जाऊंगी, उसके बाद वहीं ब्रेकफास्ट, लंच बनाओ, लंच पैक करो, हस्बैंड को ऑफिस भेजो, फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये वो फलाना ढिमकाना ये सब करो. तो इन सब में मेरा टाइम मतलब 12 बजे तक का टाइम तो सब ऐसे ही जाता है, क्योंकि 7 बजे से स्टार्ट होता है, फिर वो ऑफिस जाते हैं मतलब 9:30 तक, कभी जल्दी चले जाते हैं कभी लेट जाते हैं, तो मतलब 10 कब बज जाते हैं पता नहीं चलता है. 10 बजने के बाद फिर वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़ोन चला लेती हूँ बीच बीच में, वो थोड़ी सी आदत है, बट फिर काम पे लग जाती हूँ तो काम में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है. फिर नहाना हुआ, ये सब हुआ, विनी को भी देखना हुआ, उसको भी फिर खाना वाना खिलाने में टाइम लग जाता है, मतलब बीच बीच में उसका भी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ खाने के लिए, मम्मा कुछ खाने को दे दो. अगर मैं काम कर रही होंगी ना तो उसको मुझे कुछ ना कुछ खाने को देते ही रहना पड़ेगा, बोलती रहेगी कुछ खाने को है, कुछ खाने को है, दे दो मुझे भूख लगी है. तो उसे थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ना कुछ मैं देती ही रहती हूँ. फिर ऐसे मेरा टाइम मतलब 12 बजे तक का टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. तो अब चलो देखेंगे कि आज का जो दिन का शेड्यूल है वो कैसा होगा. कैसा तो पता है मुझे कैसा होगा, रोज़ की तरह होगा, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं होगा. क्योंकि और आज मैंने क्या सोचा है कि आप बनाऊँगी, आज मटर पनीर बना दूँगी, पनीर रखा हुआ है तो आज मटर पनीर बना दूँगी और राइस बना दूँगी उनको लंच में, और सैलड और रोटी. तो यही है. और वर्कआउट मैंने किया था मतलब 5 o'clock पे मैं उठ गई थी, तो 5 o'clock पे उठने के बाद मतलब वही फ्रेशन अप वगैरह हुए, तो 5:30 तो इजीली हो जाता है सुबह सुबह. मतलब इतनी जल्दी जल्दी ऐसा लगता है क्लॉक जो है बड़ी जल्दी चल रही है, 5 से 5:30 आधा घंटा, मतलब ऐसा लगता है 10 मिनट में आधे घंटा हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है. तो 5:30 से फिर मेरा शुरू होता है मॉर्निंग. पहले क्या था ना कि मैं मॉर्निंग टाइम में उठ के वॉक कर लेती थी और डांस करती थी. अभी शेड्यूल चेंज कर दिया, मतलब वॉक का तो मॉर्निंग का ही है, मॉर्निंग में वॉक कर लेती हूँ 5:30 से मतलब 6 और 6:15 तक, कभी 30 मिनट कभी 45 मिनट की वॉक कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ जैसे योगा टाइप, ऐसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेती हूँ. और फिर डांस जो है वो अब मैंने इवनिंग में कर दिया, तो इवनिंग टाइम में मैं डांस कर लेती हूँ और उस पर भी थोड़ी सी मैं वर्कआउट कर लेती हूँ, थोड़ा सा मतलब जंपिंग जैक्स टाइप वाला
यू नो हिट वर्कआउट टाइप, तो वो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा सा नॉर्मली रखती हूँ. बिकॉज फिर मुझे ना इसलिए हैवी नहीं रखती मॉर्निंग में क्योंकि फिर मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तो अब फिर ये भी हो जाएगा, वर्कआउट हैवी हो जाएगा, फिर और भी काम है, तो थोड़ा बॉडी का भी तो ध्यान रखना है ना कि कहीं पता चले कमज़ोरी आ जाए, चक्कर खा के गिर जाए, ऐसा तो नहीं होता है. तो मॉर्निंग का लाइट रहता है, इवनिंग का थोड़ा सा डांस हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा वर्कआउट हो जाता है, तो ये रूटीन होता है. तो अभी मैं थोड़ा सा अपना पसीना पसीना सुखा रही हूँ, तो लेट्स सी आगे का क्या शेड्यूल होता है. विनी कितना परेशान करती है, आज का दिन कैसा जाता है, यू नेवर नो. किसी को पता नहीं होता ना कि आने वाले कुछ एक घंटे में, कुछ 15 मिनट में, कुछ आधा घंटे में क्या होने वाला है. तो लेट्स सी क्या होता है. आज संडे है. मुझे अपने घर का बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है, मतलब आप सामने देख रहे हो सन है, सनलाइट सीधा अंदर आती है, सूरज की किरणें सीधा घर के अंदर आती हैं, तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है. और बेडरूम तक जाती हैं सुबह सुबह, जहाँ अभी सचिन और विनी सोए हुए हैं, तो वो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा. सो इट्स 7 o'clock और मैं आ गई हूँ फाइनली अपने ठिकाने पे, अपनी किचन में, ऑब्वियसली काम करने के लिए. तो यहाँ पे मैं अभी आटा रखना है मुझे डब्बे में, कल मंगवाया था बिकॉज आटा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, बट आज संडे है, संडे को यहाँ पे सब बंद रहेगा, तो इसलिए मंगवा के रख लिया था. तो इस डब्बे में आटा हम रख देंगे अपना, उसके बाद बाकी कामों पे लग जाएंगे. और रात में मैंने आलमंड जो है वो भिगो दिए थे, तो सोक्ड आलमंड हैं ये और सब लोग खाएंगे, मतलब मॉर्निंग में सब खाते हैं, मैं, सचिन और विनी. सो विनी को दे के आ रही हूँ, बट विनी क्या है ना, जैसे अगर इसका छिलका हटा दो तो वो नहीं खाती है, वो छिलके वाला ही खाती है, छिलका हटा दो तो नहीं खाएगी, तो मैं भी उसको दे के आती हूँ. उसको दे आई हूँ और अब मैं अपने हिस्से के ले लेती हूँ और सचिन के लिए छोड़ देती हूँ. तो उनके लिए मैंने छोड़ दिए हैं, अपने हिस्से के मैंने ये ले लिए हैं, तो इनका छिलका हटा देती हूँ. अभी हम अपनी तैयारी में लग गए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर मटर पनीर, जिसके लिए मैं अनियन काट रही हूँ. और मेरा जो चॉपर है वो आ गया, मैंने आप लोगों को बताना मैं भूल गई थी. तो ये मैंने बटरफ्लाई का चॉपर लिया था, बट ये चॉपर जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मेरा जो काम है ना वो बहुत इजी हो जाता है सच में. तो अनियन कट करके इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद इसको चॉप कर लेंगे. टाइम काफ़ी बच जाता है, बट मतलब ऐसे तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, बट मैंने आपको पहले बताया था ना कि उनको ऐसे चॉप्ड वाली जो ग्रेवी होती है अनियन टमेटो की, वो ज़्यादा पसंद आती है, तो उनके लिए फिर ऐसे ही बनाती हूँ चॉप करके. और इसकी ना ग्रिप जो है वो भी काफ़ी अच्छी है और अच्छे से चॉप भी करता है. लेट्स स्टार्ट. इट्स डन. तो काफ़ी इजी हो जाता है, फिर वो अपने ऊपर है, मतलब कितना बारीक करना है, कितना कैसा रखना है, वो डिपेंड्स ऑन अस. और इनका जो, इनके जो ब्लेड्स हैं ना वो थोड़े से वो धार वाले हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, मतलब वॉश करने में, निकालने में. तो आप लोग भी अगर यूज़ करो तो थोड़ा सा केयरफुल रहा करो, पता चले हाथ वात कट जाए. और कोई भी चीज़ हो यार, जैसे मैंने ये चॉपर भी लिया है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो. तो कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोगों का थॉट ये रहता है, ये ऐसे वाला रहता है, जल्दी ख़राब हो जाएगा. देखो कोई चीज़ अमर होके तो आई है नहीं है दुनिया में, ना हम, ना कोई मशीन, ना कुछ, ठीक है, सबका एक टाइम आता है. बट अगर हम उस चीज़ को केयर के साथ रखें, अच्छे से रखें, तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक चलती है. तो अच्छे से यूज़ करो किसी भी चीज़ को, चाहे वो खुद को हो, चाहे वो किसी इसको हो, किसी मशीन को, कुछ भी हो, अच्छे से यूज़ करोगे, साफ़ सफाई से रखोगे,
केयरफुली यूज करोगे, उसका ध्यान रखोगे तो वो आपका ध्यान रखेगी, आपका साथ देगी। सिंपल सी बात है। ओ विनी गल लेके आ गई, मम्मा तो डर गई विनी। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत टाइट चलता हो तो आपके हाथ पे दर्द होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से चलता है। सो टमाटर भी हो गए हैं, सोच रही हूँ थोड़ा सा और कर लेती हूँ, थोड़े से टाइट हैं मेरे टमाटर तो। फाइनली टमेटो भी हो गए हैं, इसको मैं तुरंत के तुरंत वॉश करके रख देती हूँ, फालतू में गंदा करके क्या रखना सिंक में। तुरंत यूज करो और फिर गंदा ही कितना हो रहा है। वॉश हो गया, इतना कोई टफ जॉब नहीं है, बट हाँ सही है, अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा। तो फाइनली मैं अपनी सब्ज़ी बना रही हूँ, टमेटो अनियन सब चॉप्ड करके मैंने मसाला बना लिया था, तो वही जो नॉर्मल सब्ज़ी की तरह मसाला बनाते हैं वैसे ही मसाला बनाया। फिर इसको थोड़ी देर ढक के हम पकने देते हैं, और पकने के बाद मतलब देख सकते हो हल्का हल्का जो ऑयल है वो अलग हो गया है, थोड़ा सा और चलाएँगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मटर। ये फ्रोज़न मटर है, ऑब्वियसली मटर पनीर बना रहे हैं तो हरी मटर तो डालेंगे ही ना, और मटर डालने के बाद इसको हम अच्छे से चला देंगे, और उसके बाद हम अपना जो मेन स्टार्ट है हमारे वो है पनीर, मिस्टर पनीर, इनको हमने क्यूब्स में काट लिया था और इसको भी मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला देंगे। तो मटर पनीर की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत आसानी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, टाइम बचता है इसमें। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, ऑब्वियसली पानी। अब ड्राई तो नहीं बनाऊंगी ना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी, तो थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और क्या बोलते हैं मतलब जितनी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए है उतनी रखेंगे। तो मैं अपने हिसाब से रख रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो सब कुछ ऐसे मिलाने के बाद फिर इसको हम इसके हाल पे छोड़ देंगे, इसे भी तो टाइम देंगे ना थोड़ा सा पकने के लिए, ताकि ये अच्छे से इसका स्वाद जो है वो पकने के बाद और बढ़ जाए। तो इसको भी ढक के रख देंगे। जहाँ पनीर पक रहा था वहीं मैंने दूसरी साइड पतीले पे राइस रख दिए थे पकने के लिए, तो वो भी पक रहे हैं। अब क्या करेंगे, इनको इन दोनों को ही इनके हाल पे छोड़ देंगे, हम आ जाएंगे अपने सैलेड की तरफ। तो यहाँ पे मैं सैलेड बना रही हूँ, बट विनी जो है मुझसे बनाना मांगने लगी थी, तो मैंने उसको फर्स्ट बनाना कट करके दिया, उसके बाद हमने अपना सैलेड कट किया फटाफट फटाफट से यूँ। अरे ये फटाफट नहीं किया है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए इतना जल्दी जल्दी कट रही, वरना मैं इतनी फास्ट नहीं हूँ सब्जियाँ काटने में। तो हाँ, इस तरह से हम काट लेंगे। उसके बाद हम अपनी कैरेट काटेंगे, ऑरेंज कैरेट है, सैलेड में बहुत अच्छी लगती है और बहुत फ़ायदेमंद भी होती है और लो इन कैलोरीज होती है, तो सैलेड खाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अभी जब से मैं अपना ध्यान रख रही हूँ अपने ऊपर, तब से मैं इन सब चीज़ों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ कि मैं क्या अच्छा खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। साथ ही में हम बीटरूट भी काट लेंगे, ऑब्वियसली बीटरूट भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए, ब्लड के लिए। सो बीटरूट काट के इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो भाई ये रेडी, इनको साइड में रखते हैं। चलो सब्ज़ी की तरफ आ जाते हैं। हाँ देखा, सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, या नहीं, या फिर मैं खुद से ही अपनी तारीफ किए जा रही हूँ, बट मुझे कोई भी सब्ज़ी ना कसूरी मेथी के बिना अधूरी लगती है, तो मैं हर सब्ज़ी में मोस्टली कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे उसका स्वाद जो है वो 4 गुना हो जाता है। यू आर क्लीनिंग, ओके? यस ये। तो आपको ये अच्छा लगता है क्या क्लीनिंग करना? हाँ। अच्छा चलो बस थोड़ा सा यूज कर लो, ठीक है? बस लाओ मैं पकड़ लूँ इसको, बस अब उतने से क्लीन कर लो, रुको मैं कर दे रही, आप क्लीन कर लो, चलो क्लीन कर लो, ठीक है? विनी को अच्छा लगता है क्या ये सब करना? उसका हैंडल भी क्लीन करो, ये हैंडल इधर, हाँ ये होता है इसका हैंडल, ये फ्रिज का, ये क्लीन करो। अरे वाह विनी, गुड जॉब। हूँ आप तो थक गई होगी, वेरी नाइस विनी। ये क्या हो रहा? वो तो आवाज़ आती, सुन लो।
बाय। अरे किस्ती तो कर दो। लेट्स गो, चलो अंदर। और अभी मम्मा ने विनी की हेयर ऑयलिंग की है, छोटे छोटे बालों की, है ना विनी? और विनी को ऐसे चंपी करवाना बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिस, है विनी? मम्मा क्या कर रही विनी? है चंपी। मम्मा क्या कर रही? विनी की चंपी, है ना विनी? चिंपी 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 चिंपी, फिर से करूं? वैसे अच्छा लगता है क्या आपको? टप टप करना अच्छा लगता है आपको? देखो ये 1 2 1 2 3 गो। ये इसको बहुत अच्छा लगता है, एविनी? अच्छा ये बताओ सबको, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मम्मा ने आपको ब्रेकफास्ट में कुछ खिलाया था ना अभी सुबह सुबह? क्या खिलाया था मम्मा ने आपको? नहीं, जब आप मॉर्निंग टाइम में उठे थे तो मम्मा ने आपको क्या दिया था? भूल गए। भूल गई। किसी ने मुझसे मांगा था मॉर्निंग में, चॉकोस मांगा था। मम्मा ने आपको मिल्क चॉकोस दिया था ना, और फिर उसके बाद आपने क्या खाया? हम कह रहे थे, हाँ, तुम ब्लैक वाली खाई थी, उसमें मेरे से नहीं डाला था। ब्लैक वाली में? सॉरी विनी, पता क्या कह रही है, मतलब मैं खाना बना रही थी किचन में, तो मैं जल्दी जल्दी में इसको ऐसे ही ड्राई वाले चॉकोस मैंने दे दिए, मिल्क नहीं दिया, तो इसने बोला मम्मा इसमें मिल्क ऐड करो, तो वो कह रही है कि मैंने बोला था आपने मिल्क नहीं डाला था उसमें, है ना? तो मम्मा आपको बॉर्नविटा और मिल्क डाल के लेके आई थी ना, मम्मा ने खिलाया था आपको? हाँ। फिर अभी आपने क्या खाया, अभी थोड़ी देर पहले आप जब ड्राइंग कर रही थी, तो ड्राइंग कर रही थी तो मम्मा, हाँ, एप्पल खाया ना? और एप्पल से क्या खाया था? एप्पल तो खाया था ना, और पढ़ाई भी की थी विनी ने, है ना? अच्छा ये पैर नीचे करो। तो अभी हम लोगों का टाइम ऐसे ही निकल रहा था, विनी वही ड्राइंग कर रही थी, मॉन्स्टर की ड्राइंग कर रही थी, वही साथ में मैं उसको एप्पल भी खिला रही थी, है ना विनी? कैशियो नट्स भी खाए थे विनी ने, और मॉर्निंग में आलमंड्स भी खाए थे विनी ने। हाँ हाँ, ये अपने आप कैशियो नट्स खा लेती है ना विनी? She is super excited while I'm vlogging. तो इसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब कैमरे के सामने तो इसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, है ना? चलो आप वो सुना दो विनी, अरे जय गणेश देवा सुना दो। हाँ सुना दो, चलो। क्यों? अच्छा मेरे साथ सुनाओगी? चलो स्टार्ट करो। चलो जय गणेश। अच्छा चलो ठीक है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता रुक्मी पार्वती पिता महा। विनी अपनी पूजा करते टाइम तो विनी गाती है आरती, है ना विनी? है ना? तो मम्मा और विनी दोनों अभी बालों की चंपी कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो विनी की चंपी करके दिखा देते हैं। एक्चुअली मैं हुआ क्या ना, मैं अनियन ऑयल यूज़ करती हूँ, मतलब काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, बट वो अनियन ऑयल मेरा फिनिश हो गया है, ऑर्डर मैंने कर दिया बट अभी आया नहीं है, तो उसके बदले में मैं अभी पैराशूट ऑयल, मैंने वो कोकोनट ऑयल, सॉरी हाँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल जो है वो किया, वही मतलब वही विनी के बालों में कोकोनट ऑयल। वन सेकेंड। हाँ कोकोनट ऑयल तो हमेशा विनी के बालों में रहता है, अपने में अनियन लगाती थी बट आज पैराशूट कर लिया, और मुझे हेयर वॉश भी करना था तो अभी कर लिया, 11 बज रहे हैं, फिर काम करूंगी मतलब 1 बजे तक, फिर मैं नहाऊंगी, आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो
एक बजे तक नहा के फिर तब हेयर वॉश कर लूंगी, मतलब 2-2.5 घंटे आराम से बालों में ऑयल रहेगा। मैं पूरा दिन अपने बालों में ऑयल लेके नहीं घूम पाती हूँ कि मतलब दिन में अप्लाई करूँ। हाँ, ओवरनाइट रख सकती हूँ, और दिन में जब शावर लेना होता है, हेयर वॉश करना होता है, तो उसका 2 घंटे पहले का होता है, ऐसा तो मैं कर लेती हूँ, बट दिन भर मुझसे हेयर ऑयल जो है वो बालों में लिए नहीं घूमा जाता है। तो अब हम फटाफट से क्लीनिंग करेंगे, डस्टिंग करेंगे, ओके, शुद्ध देसी झाड़ू पोछा करेंगे। लेट्स गो, चलो बाय बाय।